ये कहानी है अयोध्या और गोरक्षपीठ के उस रिश्ते की जिसमें गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों का तप है, त्याग है। ये कहानी है इतिहास के उन पन्नों की जिसने अयोध्या की रामकथा को कभी थमने ना दिया। ये कहानी है उस विश्वास की जिसने आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया। आज हम आपको वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने गोरक्षपीठ और राम मंदिर आंदोलन के दशकों पुराने रिश्ते को अध्यात्म के रंग से सराबोर कर दिया। मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह किसी को थोड़ा है। लेकिन अयोध्या के लिए 500 वर्षों के बाद इस प्रकार का शुभ मुहूर्त देखने को मिला है। ये तस्वीर उस पल की साक्षी बनी थी जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। ये वो पल था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे और खुशी में वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। यही है अयोध्या और गोरक्षपीठ के उस रिश्ते की जिसमें गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों का तप है, त्याग है। ये कहानी है इतिहास के उन पन्नों की जिसने अयोध्या की राम कथा को कभी थमने न दिया। ये कहानी है उस विश्वास की जिसने आस्था की नींव पर भव्य राम मंदिर की इमारत को खड़ा किया है। आज हम आपको वही कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने गोरक्षपीठ और राम मंदिर आंदोलन के दशकों पुराने रिश्ते को आध्यात्म के रंग से सराबोर कर दिया है। अयोध्या विवाद, राम मंदिर आंदोलन और इससे जुड़ा गोरक्षपीठ यानी गोरखनाथ मंदिर का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गोरखनाथ मंदिर की तीन पीढ़ियों ने रामलला और राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में अपना योगदान दिया है, कैसे महंत दिग्विजयनाथ ने इसकी शुरुआत की, उनके शिष्य अवैधनाथ ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया और अब अवैधनाथ के शिष्य योगी आदित्यनाथ कैसे अपने गुरुओं के सपने को साकार करने में जी जान से जुटे हैं। भारत की सनातन शक्ति और गुरु परंपराओं की इस कहानी में तीन ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बूते एक ऐसे जागरण को जारी रखा जिससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। माना जाता है यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे। दिग्विजयनाथ शुरू से हिंदुत्व की राजनीति किया करते थे। दावा किया जाता है कि 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने के पीछे महंत दिग्विजयनाथ की बड़ी भूमिका थी। 22-23 दिसंबर 1949 एक ऐसी तारीख है जिसे इतिहास भी याद रखता है। कहा जाता है कि इसी दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ था और उस वक्त योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ वहां मौजूद थे। यानी गोरक्षपीठ एक ऐसी पीठ है जो प्रभु श्री राम के प्राकट्य से लेकर आज तक इस आंदोलन से हमेशा जुड़ी रही। महंत दिग्विजयनाथ के बाद गोरखनाथ पीठ की विरासत महंत अवैधनाथ को मिली। अवैधनाथ ने दिग्विजयनाथ की अयोध्या विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। दिसंबर 1992 की कार सेवा में अवैधनाथ मंदिर आंदोलन के अगुआ के तौर पर शामिल थे। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उसमें वहाँ मौजूद रहे, उनकी उपस्थिति में भगवान प्राकट हुए, परमहंस रामचंद्र दास जी रहे, अनेक जो संतगण हैं जो आज मौजूद नहीं हैं लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और तब से ये आंदोलन महंत दिव्यानाथ जी महाराज के समय से आंदोलन चल रहा है। फिर उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज, उनकी भूमिका रही है, वो जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे हैं। वो 1990 का दशक था जब साल 1994 में महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरक्षपीठ में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। योगी आदित्यनाथ शुरू से ही हिंदुत्व के झंडा बरदार रहे
उन्होंने महंत दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ की तर्ज पर राम मंदिर आंदोलन को आगे ले जाने का काम किया। योगी ने अपनी एक अलग तरह से राजनीतिक धारा बनाई। 1998 में वे सबसे कम उम्र के सांसद बने। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जो हिंदू युवाओं को धार्मिक बनने के लिए प्रेरणा देती है। अजय बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने के बाद से वो लगातार राम मंदिर आंदोलन का अहम चेहरा साबित हुए। मौजूद है गोरक्षा पीठ के उस कक्ष में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर भी। अगर आप हमारे बाएं तरफ देखेंगे तो दिग्विजयनाथ महाराज, अवैधनाथ जी महाराज, यानी 1949 और 1986 का वो वृतांत जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा है। 1949 में जब राम प्रकट हुए थे, वहां भगवान राम का प्रकटय हुआ था। 1986 एक तारीख थी जब मंदिर का ताला, राम जन्मभूमि का जो विवादित स्थल था जहां ताला लगा था, उसे बंद किया गया। और उसके अलावा अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां संतों की तस्वीरें लगी हैं, और एक सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे, जय श्री राम लिखा हुआ। और भगवान राम के जो मंदिर का मॉडल है, जो अयोध्या में मॉडल बनना है, जो उसका असली उसकी पृष्ठभूमि है, जो पटकथा है, इसी तरीके के भगवान राम का मंदिर वहां भी बनेगा। करीब 70 साल पहले जप तप और व्रत के साथ शुरू हुआ राम मंदिर आंदोलन का वो सफर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार जारी रखा। इससे पहले 1986 का वो दौर भी आया जब राम जन्मभूमि पर पड़े ताले को खोला गया। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया था, जिसके बाद उन्हीं की मौजूदगी में ताले को खोला गया। राम मंदिर आंदोलन में साल 1949 के बाद एक और महत्वपूर्ण साल आया 1986 का, और उसी दौर में राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। उस वक्त गोरक्षा पीठ के महंत थे अवैधनाथ। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने रात में 12 बजे स्पेशल प्लेन भेजकर महंत अवैधनाथ को अयोध्या बुलवाया और उनकी मौजूदगी में ही ताला खुलवाया। यानी तीन पीढ़ियों से गोरक्षा पीठ के महंत मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा रही हैं। गुरु के पद चिन्हों पर चलकर शिष्यों ने जन जागरण की अलख जगाई है। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ से जो विरासत में मिला, उसको न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों को हमेशा हवा दी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बात को बखूबी समझते हैं कि जिस राम मंदिर निर्माण के लिए गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों ने अपना सब कुछ झोंक दिया, वही राम मंदिर देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ आस्था से जुड़ा है बल्कि राम लोगों के आम जीवन का भी एक ऐसा हिस्सा रहे हैं जिनका नाम भर लेना ही लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है। यही योगी के राम की शक्ति है, जिसकी भक्ति में गोरक्ष पीठ का कण कण हिस्सेदार है। भारत की सनातन शक्ति और गुरु परंपराओं की इस कहानी में तीन ऐसे किरदार हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के बूते एक ऐसे जागरण को जारी रखा जिससे देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। माना जाता है कि यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के इसके शुरुआती दौर से जुड़े रहे और इस संघर्ष के अंत यानी 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन के संपन्न होते ही योगी आदित्यनाथ की गुरु दक्षिणा भी पूरी हो जाएगी। राम मंदिर और गोरक्ष पीठ के जुड़ाव की कहानी को और गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को टटोलना होगा जिसकी शुरुआत कभी साल 1949 से हुई थी। तब अयोध्या में भक्ति का कोलाहल वैसा नहीं था। शांत सी दिखने वाली अयोध्या में बाबरी अपनी जगह पर खड़ी थी, उसमें चहल पहल नहीं थी। यही वो दौर था जब हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को हवा दी। तब इस काम का बीड़ा उठाया था महंत दिग्विजयनाथ ने। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत दिग्विजयनाथ राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से ही जुड़े रहे। वो हमेशा से उग्र हिंदुत्व की राजनीति के समर्थक थे।
कहा जाता है कि 22 दिसंबर 1949 की रात विवादित ढांचे में प्रभु श्रीराम की मूर्ति प्रकट होने की कहानी से दिग्विजयनाथ का गहरा नाता है। दिग्विजयनाथ आजादी आंदोलन से ही राजनीति से जुड़े थे और चौरी चौरा कांड के दौरान जेल भी गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के विरोध के बाद दिग्विजयनाथ राम मंदिर जन्मभूमि अभियान से जुड़ गए। ये वही दिग्विजयनाथ थे जो योगी आदित्यनाथ के गुरु थे। से दिग्विजयनाथ से चले आ रहे, पहले चले रहे हैं, फिर अवैधनाथ चलाया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ चले, इसमें मुख्यमंत्री है, वो तो पूरा चलाया ही रहा है और पूरा चलते आ ही रहे हैं। आप भी कई बार इस आंदोलन में गए होंगे, अयोध्या की चर्चा हुई होगी, क्या क्या आपने देखा, अपने तरीके से बताइए। तो कार स्वयं गए थे, मैं अवैधनाथ जी साथ में गए थे, उस टाइम पूरा रितिम्बर भी आए थे, वहाँ भारती भी आई थी। राम मंदिर के मुद्दे पर लिखी गई किताबों में इस दिन का जिक्र मिलता है। शांतनु गुप्ता की योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई किताब द मंक हु बिकेम चीफ मिनिस्टर में लिखा है, 1949 में दिग्विजयनाथ राम मंदिर मुद्दे को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय रामायण महासभा से जुड़े। अखिल भारतीय रामायण महासभा ने मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बनाए गए विवादित ढांचे के सामने 9 दिन तक रामचरितमानस का पाठ किया, जिसका अंत विवादित ढांचे में रामलला और सीता की मूर्ति रखने के साथ हुआ। 22 दिसंबर को विवादित ढांचे में मूर्ति रखने वालों में दिग्विजयनाथ के साथ साथ महंत राघवदास, अभिराम दास और दिगंबर अखाड़े वाले रामचंद्र परमहंस भी शामिल थे। 22 दिसंबर की रात विवादित ढांचे में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट होने की खबर के बाद नाथ संप्रदाय के महंत दिग्विजयनाथ ने भीड़ जुटाने का अभियान छेड़ दिया। लेखक के जेफरलोट की किताब द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में इस बात का ब्यौरा दर्ज है। किताब में लिखा है कि जनसभाएं की गईं, टांगों पर भोंपू लगाए गए, कारों से भक्तों को उस मस्जिद में बुलाने का ऐलान किया गया जहां यज्ञ किया जा रहा था, राम जन्मभूमि को मुक्त करने का दावा किया जा रहा था, हजारों की तादाद में लोग पहुंचने लगे। इनमें शहर से बाहर के लोग भी थे जिन्हें अभियान में शामिल होने के लिए आयोजकों ने ही कार मुहैया कराई थी। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या के सब इंस्पेक्टर के अनुमान से 5,000 से 6,000 भक्त मौके पर जमा होकर भजन गा रहे थे और नारे लगा रहे थे। कहते हैं 1949 से लेकर 2019 तक इस पीठ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगी आदित्यनाथ के गुरु दिग्विजयनाथ और उनके साथी संतों ने ही पहली बार अयोध्या के विवादित ढांचे को हिंदू जनमानस में राम जन्मभूमि के तौर पर स्थापित किया था। अवैधनाथ के पांव को दबाते हुए योगी आदित्यनाथ, मैं उस वक्त उपस्थित था जो अवैधनाथ के एक पांव वो दबा रहे थे, मैं दबा रहा था, तो अवैधनाथ ने कहा बेटा क्या मेरे जीवन राम जन्मभूमि बन जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ और मेरे आंखों में आंसू आने लगा। हम दोनों भाइयों ने कहा महाराज जी आपके चरणों की सौगंध है कि निश्चित अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण हो जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ भले ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हों लेकिन अयोध्या के लिए तो वशिष्ठ की अवतार रूप में आए हुआ है, और जब वशिष्ठ की कोई भूमिका होती है तो अयोध्या में राम राज्याभिषेक बनता है और राम जन्मभूमि बन जाएगी। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। गोविंद वल्लभ पंत उस समय सूबे के मुखिया थे। द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स किताब में यह भी दर्ज है कि पंडित नेहरू ने इस मामले पर सख्ती बरती थी। 26 दिसंबर 1949 को गोविंद वल्लभ पंत ने नेहरू के आदेश पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को मूर्तियां हटाने का आदेश दिया। नायर ने दंगा भड़कने का अंदेशा जताते हुए आदेश मानने से इनकार कर दिया, लेकिन इनकार के पीछे शायद ये भी वजह थी कि नायर हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले अधिकारी थे। योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ का नाता राम मंदिर आंदोलन से महंत दिग्विजयनाथ के दौर में ही जुड़ गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी मठ से जुड़ने के बाद से ही राम मंदिर निर्माण पर खुलेआम
बयान देते रहे तो उसके पीछे मठ के इतिहास का एक और दौर भी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अयोध्या पहली बार गया तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था अयोध्या की उपेक्षा, और अयोध्या की उपेक्षा मुझे वही दिखी थी जैसे भगवान राम का वनवास जैसे दिखी थी। 1949 वो साल था जब राम मंदिर आंदोलन के अभियान में रामलला की मूर्ति प्रकट होने का चमत्कार हुआ था। अब बारी थी इस मुद्दे के एक नए विस्तार की। दूसरा अध्याय जब शुरू हुआ तब उसमें गोरखपुर मठ के मुखिया और योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ जुड़ चुके थे। राम मंदिर आंदोलन के दूसरे अध्याय की तारीख थी 22 सितंबर 1989। 22 सितंबर 1989 को महंत अवैद्यनाथ ने दिल्ली के वोट क्लब पर हिंदू संगठनों की एक महासभा बुलाई। इस महासभा में प्रस्ताव पास किया गया कि राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार पहले से था और आगे भी रहेगा। इसी महासभा में शिलान्यास की तारीख भी तय की गई। वो तारीख थी 9 नवंबर 1989। 1989 में राम मंदिर आंदोलन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक अभियान भी बन चुका था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी छोटी छोटी रथ यात्रा और सभाओं के जरिए आंदोलन को धार देने में लगे थे। मंदिर आंदोलन के राजनीतिक रंग लेने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने अवैद्यनाथ से मुलाकात की थी। शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर में लिखा है, नारायण दत्त तिवारी ने मुलाकात कर अवैद्यनाथ को मंदिर शिलान्यास टालने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अवैद्यनाथ अड़े रहे। 9 नवंबर 1989 को मंदिर के शिलान्यास की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। 10 नवंबर के दिन कमलेश्वर प्रसाद नाम के दलित ने मंदिर की आधारशिला रखी। राम की जन्मभूमि की जिस कथा की शुरुआत दिग्विजयनाथ के दौर में मूर्ति के साथ हुई, उसकी आधारशिला उनके शिष्य महंत अवैद्यनाथ ने रखी। महंत अवैद्यनाथ जी इस पूरे आंदोलन के अगुआ के रूप में थे। स्वर्गीय परमहंस रामचंद्र दास जी के दिगंबर अखाड़ा में वो रुकते थे गोरखपुर से आके, वहाँ पर रणनीति बनाते थे, संगठन को विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियाँ करते थे। वो सब मंदिर आंदोलन के लिए बहुत पहले से जुड़े रहे। जाहिर है जिस विरासत को संजोकर योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर आंदोलन लगातार आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में साबित करता है कि भारत की सनातन संस्कृति में गुरु और गुरु दक्षिणा का क्या महत्व होता है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के अलावा और भी कई जगह हैं जिनका एक एक कण श्रीराम के धागे से बंधा है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जहां आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। सीता के त्याग की अयोध्या। लक्ष्मण के पराक्रम की अयोध्या। रघुकुल की रीति निभाने वाली अयोध्या। अयोध्या के लिए ये पल ऐतिहासिक है, करोड़ों लोगों का सपना साकार होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी पर अब विशाल श्री राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर से जुड़े हर पहलू को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरे देश की पवित्र जगहों की मिट्टी और नदियों से समेटे गए जल की नींव पर खड़ा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर।
इस बात में किसी को शक नहीं कि जब श्रीराम का मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा तो ये दुनिया के आश्चर्यों में से एक होगा, जिसमें आस्था के रंग भी होंगे और भक्ति के भी। 5 अगस्त के बाद अयोध्या हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ेगा, हर कोई रामलला विराजमान के दर्शन करना चाहेगा। लेकिन इसी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां का कण कण प्रभु श्री राम की आस्था के धागे से बंधा हुआ है। यहां का एक एक पत्थर प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम कहानियां कहता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस अयोध्या की सैर पर जहां आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। युग बीत गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन सरयू नदी में आज भी राम कथा का प्रवाह बना हुआ है, जिसकी गवाह है यहाँ की गलियां, यहाँ के भवन। कलयुग में भी अयोध्या की राम कथा वहीं से शुरू होती है जहां से त्रेता काल में शुरू हुई थी, मतलब राजा दशरथ महल से। अयोध्या की यही वो जगह है जहां भगवान राम का बचपन बीता, जिस आंगन में वो पले बढ़े, जहां से रघुकुल की रीत शुरू हुई। ये दशरथ महल है और जैसा कि नाम से जाहिर है राजा दशरथ का महल था, तो जाहिर है कि पूरा लालन पोषण जो भगवान राम और उनके सारे भाइयों का हुआ वो इसी महल में हुआ होगा। अब आज जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये उस समय का नहीं है, ये 400 साल पुराना है, इसको बाद में बनाया गया, कई बार टूटा कई बार बना। ये माउंट बाकी था, ये टीला जो था ये अपनी जगह पर कायम था और इसको दशरथ टीले के नाम से जाना जाता था। आज जिस भवन को हम देख रहे हैं इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक उसी जगह पर है जहां त्रेता युग में राजा दशरथ के महल का जिक्र मिलता है। पुराणों के मुताबिक त्रेता काल में इसी जगह राजा दशरथ की रानियों के महल हुआ करते थे। मुख्य रूप से राम कोट के अंतर्गत आता है, राम कोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामोंद, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। दशरथ महल के पिछले हिस्से में रानी कौशल्या का महल हुआ करता था, जगह को आज श्री राम जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है, जहां विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जाना है। अब हमारी मंजिल थी अयोध्या की वो जगह जहां श्री राम ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। मान्यता है कि आज जिस जगह पर ये तालाब है, ये भवन है, युगों पहले इसी जगह पर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। इसी जगह पर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। विद्या कुंड यह स्थान गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए ही पढ़े भगवान। प्रभु श्री राम अपने सहपाठी बालकों के साथ में यहाँ करके पढ़ते थे, और जिस तरह से अभी बालक जो बाल लीलाएं करते हैं, दौड़ते हैं, यह वही स्थल है जहाँ पर प्रभु श्री। और मान्यता यही है कि इसी विद्यालय में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, मतलब सारे भाइयों ने अपनी शिक्षा इसी विद्यालय में, इसी जगह पर जो स्कूल बना हुआ था, जो विद्यालय बना हुआ था, जो गुरुकुल बना हुआ था, उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो सारी पढ़ाई इसी जगह पर की। बदलते वक्त के साथ अयोध्या भी बदल चुकी है, रूप और आकार बदलते गए, लेकिन इन जगहों पर श्री राम से जुड़ी आस्था को लेकर लोगों में कोई कमी नहीं आई। दशरथ महल और गुरुकुल तो भगवान राम की बाल लीला से जुड़े सच्चे सबूत माने जाते हैं। अब बारी थी अयोध्या में राम कथा की उन निशानियों की जो जुड़ी हैं श्री राम के युवा रूप से। है कनक भवन का। सीता जी से विवाह होने के बाद श्री राम इसी भवन में रहा करते थे। रानी केकई ने ये भवन सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में तोहफे के तौर पर दिया था।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो भवन आज पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये त्रेता काल में सोने का बना था। अयोध्या में आप जितनी भी इमारतों को देखेंगे, मेरे ख्याल से उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई इमारत है तो वो यही है, रीसेंट बनी हुई है, शायद इसी वजह से ये महल। लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, और जब सोने का बना होगा तब कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा ये आज सोचना भी शायद नामुमकिन है। कनक भवन की बहुत सारी खसूसियत हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा वक्त भगवान राम और सीता ने अगर कहीं पर बिताया है तो वो यही जगह है। कनक भवन का मौजूदा ढांचा आधुनिक काल का है। श्री राम के समय में ये बहुत ही विशाल और भव्य हुआ करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि इस जगह का नाता राम के बाद भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। अभिलेख मिलता है, वहां भी लगा है कि महाभारत के समय में, यानी द्वापर युग जिसको कहा जा सकता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसका पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद जब वो ध्वस्त हो गया तो ऐतिहासिक काल में राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वहां एक आपको देखेंगे युधिष्ठिर संबत का अभिलेख मिलेगा। यानी कनक भवन का नाता त्रेता युग से भी है और द्वापर युग से भी। यहां श्री राम भी हैं और श्री कृष्ण भी। इसकी गवाही यहां पर लगी शिलालेख भी देती है। इंटरेस्टिंग बात जो है वो अगली लाइन के अंदर आती है। लिखा हुआ है कि विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज, मतलब भगवान कृष्ण को भी ये कनक भवन बहुत ज्यादा पसंद था और वो खुद यहां पर आए थे। कनक भवन से हमने रुख किया उस जगह का, जिसकी युगों बाद भी दो भाइयों के स्नेह के लिए मिसाल दी जाती है। नंदीग्राम, अयोध्या में राम कथा से जुड़ा एक अहम पड़ाव। जब राम ने वनवास से लौटने के लिए मना कर दिया, तब भरत ने श्री राम का खड़ाऊं यहीं रखकर अयोध्या का शासन चलाया था। पता है कि यहां कभी जंगल हुआ करता था। भरत एक आश्रम बनाकर यहां रहा करते थे, लेकिन आज यहां एक मंदिर है और भरत की मूर्ति के साथ प्रतीक के तौर पर एक खड़ाऊ रखा हुआ है। से कहा जा रहा है कि तुम अपने अंदर ग्लानी मत लाओ, तुम अपने अंदर कोई गिल्ट मत लाओ, क्योंकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है और ये कैकेयी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मति मारी गई थी, दिमाग फिर गया था, और जब दिमाग फिर जाता है तो इंसान रास्ते से भटक जाता है, और इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है ही। अयोध्या में एक जगह ऐसी है जो राम और हनुमान के अंतिम संवाद का गवाह बना, जगह जहां श्री राम ने हनुमान को अयोध्या सौंपी और अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो गए। उस जगह को आज हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने हनुमान से कहा कि जो भी यहाँ पर आएगा वो पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और बाद में मेरे दर्शन करेगा, इसलिए अयोध्या में जो भी आता है वो पहले हनुमान गढ़ी आता है और उसके बाद भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। अयोध्या का जो राज होता है वो हनुमान जी को दे करके गए, जो हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं, जावत मत कथालो की परिषद पावनी तावत बस्याम मेदन्यम मम अज्ञान बाल्यन, जब तक मेरी कथा चलती रहे तब तक आप अयोध्या में रह करके सारे विश्व के लोगों का पालन पोषण करें। शहर का मौजूदा स्वरूप विक्रमादित्य के समय का माना जाता है, फिर भी राम कथा से जुड़ी यहाँ की निशानियों को लेकर मान्यता आज भी बरकरार है। हो जाए, लेकिन जब तक अयोध्या रहेगी तब तक श्री राम कथा की गूंज यहाँ सुनाई देती रहेगी।